बताओ जी, भैया जी कहीं मिलेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी साधु संतों के निकट की ओर जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत निकट पहुंच गए हैं संत महापुरुषों के। देव से देश और राम से राष्ट्र का निर्माण, यानी कि राष्ट्रीय चेतना में जो राम विराजे हैं, वो राष्ट्रीय जनमानस में राम के गुणों का अवतार हो। मानस में जो राम हैं, उनके गुणों का भारत के जनमानस में अंगीकार हो। निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण के 1000 वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है, वो निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने भारत भारतीयता को नए रूप में व्याख्यायित करता है, सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्याख्यायित करता है। हमारी ही संस्कृति कहती है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हमारी ही संस्कृति कहती है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। हमारी ही संस्कृति कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करें, राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अंशदान करें। प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन में राष्ट्रीय समरसता का संदेश पूरे विश्व में व्यापक होता हुआ भगवान श्री राम की धरा से बहुत ही आनंद का विश्व की समरसता, विश्व की कल्याण और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ। कुछ तो है, कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में आकर्षित कर लेता है। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को सगुण साकार बना देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र की धूल में, इस राष्ट्र के अन्न में जो माँ कौशल्या के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में, और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रह्म को खेलने पर विवश कर देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो भक्तों की भावना के अनुरूप अनंत अनंत रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं, और इसीलिए आज एक ऐसे ही अद्भुत अलौकिक स्वरूप में, बाल रूप में 5 वर्ष के राघव अब अपने भक्तों को नए नवीन नूतन दर्शन के लिए पधार चुके हैं। स्वागत कीजिए भगवान श्री राम का इस नए अवतार में, आज के इस अलौकिक दिव्य द्वादशी के तिथि में, जब कूर्म अवतार का दिन आज भगवान श्री राम ने एक बार फिर से अवतार लिया। धरा धाम, अयोध्या धाम, सरयू, सब कुछ प्रसन्न आनंदित उल्लसित और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पहुंचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनार्दन का, विशिष्ट अतिथियों का, आज अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म संप्रदाय मत पंथ सबका यहाँ पर सम्मिलन हुआ है। एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है जो सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को स्थापित करता है। यहाँ पर शैव, वैष्णव, शाक्त, पत्य, गणपत्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशानन, दशाशंकर, रामानुजाचार्य संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय, विश्वनामी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, पंथों में घीसा पंथ, गरीबदासी, गौड़िया, कबीरपंथी, वाल्मीकिपंथी, धार्मिक संगठनों में अनेकानेक विश्व कल्याण में लगे हुए, भारत निर्माण में लगे हुए संगठनों के प्रतिनिधि, महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, राम नामधारी, राधा स्वामी, वर्करी, वीरशैव, हर कोई भारत की समस्त
मत पंथराय की जो अलग अलग धाराएं हैं वो आज उनका यहाँ पर समागम हुआ है, आज उनका यहाँ पर संगम हुआ है और पूरी दुनिया चकित रूप में देख रही है कि किस तरीके से वैविध्य में एकता का प्रमाण, विविधता में एकता का प्रमाण, बहुरंगी सतरंगी विविध रंगी संस्कृति का आज यहाँ पर सम्मेलन हुआ है और पूरी दुनिया उल्लासित है। संभवतः इसीलिए कहा गया है कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, सब कुछ कर दूं इसको अर्पण, मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो निश्चित तौर से एक जो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अयोध्या धाम से। वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई इस राष्ट्र की,